लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवान उदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम दशमलव बिंदु से संबंधित जो बाकी संक्रियाएं हैं उसको कराएंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न आपके नवोदय के साथ साथ सैनिक स्कूल की परीक्षा है, उसमें UPSC का पैट है या हरियाणा का CET है, अन्य परीक्षाओं में भी आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, 11वां क्वेश्चन है, क्या है 11वां क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 0.00030 है एंड 75 डिवाइड में 15 दिया है। तो सबसे पहले हम इसको भाग में लिख देते हैं, 0.0000 और 75 बटे में 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 75 में भाग देना है 15 का, बस इसको ध्यान में रखना है। एक बार हम जीरो को छोड़ देते हैं, दशमलव को छोड़ देते हैं, तो 15×5=75 होता है, यानी हमें क्या मिल गया, आंसर 5 मिल गया। अब हमने देखना है दशमलव के अंकों के बाद लगाना है, ऊपर जितने अंक होंगे उतने ही अंकों के बाद हमने दशमलव लगाना है। तो ऊपर कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर भी 5 ले लेंगे, एक ही हो गया, 2, 3, 4, 5, यानी 0.00005, 4 0 और 1 5। तो देखते हैं कहाँ पर है हमारा पहला ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 12वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, वो भी इसी की तरह है। 12वां क्वेश्चन है, क्या दिया है, 0.008 डिवाइड में 0.02, तो भाग में लिख लेते हैं, 0.008 अपॉन 0.02। अब देखो दशमलव यदि हमने हटाना हो तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे सेम दशमलव के बाद जो अंक है वो होने चाहिए, तो यहाँ 3 है या 2 ही है, तो यहाँ पर हम 1 और ले लेते हैं। अब ये दशमलव हट जाएगा, अब हमें जो संख्या मिल जाएगी वो मिल गई 8/20, क्योंकि दशमलव किसी संख्या से पहले जो अंक दिए होते हैं उन अंकों का कोई भी महत्व नहीं होता, यानी वो अंक निरर्थक माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2×8 और 2×1=2, यानी 4/10 मिल गया। अब हम जानते हैं कि यदि 4/10, 4/100, 4/1000 इस तरीके की संख्या मिल जाती है, तो ऊपर वाली संख्या में दशमलव लगा देते हैं उतने अंकों के बाद जितने जीरो हो, तो 1 0 है यानी 1 के बाद, तो 1 के बाद एक ही संख्या 4, तो दशमलव यानी 0.4 हमें इसका आंसर मिल गया, और तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 13वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, 2/0.00025 अर्थात 2/0.0025 नहीं कहेंगे, 2 5। अब यहाँ से दशमलव हटाना है तो कितने आगे, 1 2 3 4 उतने ही जीरो ऊपर लगा दो, तो 1 2 3 4 यानी 20,000/25 आ गया, क्योंकि दशमलव हट गया, तो 25×8=200 होते हैं ये हम जानते हैं, तो कितना आ गया, 800 और 2 0 बच गए, तो हमें कितना मिल गया, 800, यानी 13वें का दूसरा, सॉरी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला यानी 14वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, 14वां क्या दिया है, 2.02 भाग में 0.02, तो पहले 2.02/2, दशमलव यहाँ से हटाना है तो बराबर अंक कर लेते हैं, यानी यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी ले लिए, अब हमें मिल गया 202/20। अब हम 1 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2×1=2, 0 2×1=2 और 2×2=20, यानी 101/10, 10 आते ही 1 अंक आएगा, तो 10.1 यानी 10.1 हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख, अगला यानी 15वां क्वेश्चन है, ये हमें दिया है 0.3636 भाग में 0.06, तो 0.3636/0.06, तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर 4 अंक हैं और नीचे 2 हैं, तो हमें 2 0 और लेने पड़ेंगे, यानी दशमलव हट गया। अब हमें संख्या मिल गई 3636/600, पहले हम इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6×6 यानी 100 हो गया, और 6×6=36, 1 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो भाग टूटेगी बिंदी, तो 6×6=36 यानी 606/100। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा पीछे से, तो 6.06 इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कहाँ पर हैं, 6.06 यानी 6.06 हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाद में हम 0 लगा दें या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला यानी 16वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, 16वें क्वेश्चन में दिया है
20.91 बटे में 0.17, तो दशमलव यहाँ पर ऐसे हट जाएगा, यानी 91 बटे में 17, तो 17 एकम 17, 3 बच गए तो कितने हुए 39, और 17 दूनी 34, और 39 में से 34 गए तो कितने बच गए 5, 51 हो गए, 17 51, यानी 123, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी इस वीडियो का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 17वां, क्या दिया है 2.5 भाग में 0.005, यानी 2.5 बटे में 0.005, तो दशमलव के 3 अंक हैं, ऊपर एक ही है तो ऊपर 2 और ले लेंगे, तो दशमलव हट गया, यानी 2500 बटे में 5 आ गया। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 25 और 2 0, यानी 500 मिल गया। तो इसका जो आंसर है वो दूसरा बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया। हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।